बेरोजगारी की मार, गांव से पलायन, भूखमरी और आत्महत्या करते गरीब किसान, इन सब के लिए आशा और उम्मीद का दिया जलाया केंद्र की यूपीए सरकार ने। वो दिया जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस दीप से ना जाने कितने ही घर रोशन हो सकते हैं। जरूरत है तो लोगों में इस योजना के प्रति जागरूकता की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके का एक जनपद हमीरपुर, जहां पिछले एक साल से ये योजना लागू है, लेकिन आज भी लोग इस योजना के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं। जिला प्रशासन की माने तो यहां के निवासियों को समय समय पर इस योजना के बारे में जागरूक करने के अभियान चलाए गए, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही नजर आती है। कैसे काम कर रहे हैं आप? 10 रोज है। 10 रोज कितना पैसा मिलता है एक दिन का? अब मैं पता नहीं। आपको नहीं पता? मैं बता सकते। अच्छा, ये रोजगार गारंटी योजना पता है आपको? 100 दिन का रोजगार? मैं जानता नहीं। रोजगार गारंटी के बारे में नहीं पता है? 100 दिन का रोजगार कार्ड इशू है आपको? कहाँ है कार्ड? घर है। अच्छा, घर है। तो हाजिरी उजरी बनती है आपकी रोज यहाँ पे? अब वही बता सकते मालिक। हम हाजिरी बनता है कि नहीं बनता? मुझे पता नहीं, हम जानता नहीं। हम तो मकान करो, मालिक बताइए। कुछ लोग रोजगार योजना के तहत काम तो कर रहे हैं, लेकिन अशिक्षित होने की वजह से अपने अधिकारों को ना तो जानते हैं और ना ही इसके लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर ये आवाज उठाते भी हैं, तो भ्रष्टाचार और लच्चर प्रदर्शन के ताने बाने में इनकी आवाज खोसी जाती है। जॉब कार्ड जो दिए गए थे और जब काम करवाया गया लेबर को, तो जमा करवा लिए गए। आज तक न एंट्री उनको की गई, न उनको कार्ड दिया गया है। जबकि मैं खुद जॉब कार्ड धारक हूँ। मैंने 5 दिन काम किया, मैंने 1 दिन मजदूरी नहीं ली। ये लफड़ा कर रहा था, मैंने कहा मैं इसमें काम नहीं करूँगा, मुझे मेट बनाए दे। तो मैंने कहा तुम यहाँ लफड़ा करो, मैंने काम नहीं किया। पूछो ये मेट खड़े हो कहाँ? तनवीर ये खड़ा देखो। मैंने कहा इस तरह घपला होगा तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा, मैं आपको विरोध करूँगा। अब मैंने जिला अधिकारी और कई लोगों को एप्लीकेशन दिए, ये पत्रकार भी खड़े, पेपर भी निकलाया, कोई सुनने वाला नहीं, ना कुछ किया आज तक। ये सब घपला पड़ा है। कई लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है, अगर है भी तो रोजगार नहीं। अगर किसी को रोजगार मिल भी जाए तो उनके हक की मजदूरी नहीं मिलती। साल में 100 दिन का रोजगार लागू तो है, पर आज भी मजदूरों को प्रतिदिन तयशुदा रकम नहीं मिलती। पैसा सर अभी कोई हिसाब नहीं, पर मतलब ये 50 रुपये हिसाब से दे दिए थे। 50 रुपये रोज? नहीं, ये खंती हिसाब से रोज हिसाब है। खंती के हिसाब है? खंती का कितना? एक खंती कितना का खंती का करते हो तो 50 रुपये मिलता है? एक खंती के 58 रुपये देते हैं। कहा थे कहो है दिन है ना भाई। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग भूख के थपेड़ों से तंग आकर उनके पास कोई चारा नहीं बचा। बूढ़ी हड्डियां कुदाल लेकर काम करती हैं, तो बच्चे भी हाथ बटाते हैं। ये बेचारे क्या जाने बाल श्रम और वृद्धावस्था पेंशन की दास्तान। ये तो बस रोजी कमाने के लिए मेहनत में जुटे हैं। भले ही उनकी मेहनत का वाजिब हक ना मिले, लेकिन पेट पालने के लिए काम तो करना ही है। इन मजदूरों की हालत अव्यवस्था की कहानी खुद ब खुद बयान करती है। अधिकारी हैं कि सरकारी आंकड़े दिखाते हुए अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। उनके मुताबिक इस योजना को सही ढंग से लागू करने में कोई कसर नहीं रही। तो आज की स्थिति ये है कि हमने इन 86,000 में से 86,000 परिवारों में से जो डिमांड आई हो 44,384 परिवारों की काम के लिए, जिसमें दिसंबर के अंत तक 42,884 परिवारों को हमने कार्ड के जरिए रोजगार मुहैया करा दिया है। प्रशासन दावे तो बड़े करती है, लेकिन गांव के विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्य का अगर बारीकी से मुआयना करें तो तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। पहले से खुदा था और इसको केवल जो है बराबर करके खाना पूरी की गई है। इसमें मात्र जो है मुश्किल से खर्च हुआ तो 1 लाख खर्च हुआ है, और जबकि ये 4,68,000 का जो है इस्टीमेट का है और घाट का अलग है। और जो भी लेबर काम करती रही है उसके अभी तक उनके जॉब कार्डों में एंट्री नहीं की गई, न उनको जॉब कार्ड दिए गए हैं, सब प्रधान के पास जमा है। कार्य और प्रबंधन की अव्यवस्था का आकलन करना हो तो कार्य स्थल पर जाकर आसानी से अधिकारियों के ढुलमुल रवैये की कलई खुल जाएगी। 100% श्योर करेंगे मास्टर रहेगा और रहना और रहता है हर जगह। ये बाई चांस अपवाद स्वरूप भले इनके पास न रह पाया हो आज,
लेकिन आज की बात नहीं है, ये रजिस्टर पे हाजिरी चढ़ा रहे हैं, मास्टर अपने चढ़ा रहे हैं, मास्टरों पर ना आने की वजह से, गांव ज्यादा होने की वजह से आज की बात है ये केवल। ज्वाइनिंग के बाद हमको जब पता चला काम चल रहा है, हमने मास्टर रोल इशू करा, इसके बाद हमें वापस चार देने जाना पड़ा विकास खंड मुस्करा, चार देने के लिए तीन चार दिन के लिए चले गए। हमसे पूर्व जो सचिव थे तो उन्होंने रजिस्टर में मतलब मास्टर रोल नहीं इशू कराए, रजिस्टर में उन्होंने हाजिरी ले ली, क्योंकि बैक की हाजिरी न मिलने की वजह से मास्टर रोल कंप्लीट नहीं कर पाए। आज का जो मतलब दो तीन दिन का तो हमारे पास मतलब जो है कर देना चाहिए सही, ये हमारी मतलब। मजदूरों के जॉब कार्ड रहते हैं प्रधान जी के पास, हाजिरी लगती नहीं, मजदूरों को नहीं मिलते वाजिब पैसे। ये हाल है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ के गरीब दाने दाने को महत्व